अरे वाह माँ, आपकी यहाँ पूजा कथा में तो आते ही रहते हैं, पर इतनी सुंदर सजावट तो पहली बार जुआ मावे। ये सब हमारी गोपी बहू ने किया है। लो, आ गए वो लोग। अरे अहम, गोपी कहाँ है? बा, अब नई बहू है तो तैयार होने में समय तो लगेगा, है ना बा? हाँ लो, गोपी वो भी आ गई। मैं अभी आती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपी बहू, आशु, मोटू लटकावी ने क्यों खड़ी है? ऐसे में अगर पूजा में बैठोगी ना तो पूजा का फल भी नहीं मिलेगा। मेहमान आकर बैठे हैं, बाहर के लोग हैं, क्या सोचेंगे वो? तुम मेरी बहू हो, जरा हंसो मुस्कुराओ, नई बहू की तरह तो लगनी चाहिए। समझी गई? आओ गोपी बहू। अहम दिख रहा? गोपी बहू जाओ, तुम दोनों पूजा में बैठो। जिगर जी, काकी राशि कहाँ है? काकी वो तैयार हो रही है, बस आते ही होगी। जोयो मोटा भाभी। काहे बांधो नहीं। अरे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आओ आओ। जय श्री कृष्ण। आओ। खुश जी उतरे। अरे आपकी तबीयत खराब थी, आपने आने का कष्ट क्यों किया? मैं प्रसाद घर पे भिजवा देता। अरे तबियत का क्या है बेटा, और वैसे भी दिकरी की लगन के बाद पहली पूजा है तो आना तो जरूरी बनता था ना। जिगर दिकरा, वैसे भी उर्मिला बेन अपनी दिकरियों के लिए बहुत प्रेमीली है। अपनी दिकरियों के लिए इनके दिल में हमेशा होंके उठती ही रहती है। अब देखो ना, उस दिन रात्रि 7 बजे अचानक इनको अपनी दिकरियों की याद यहाँ खींच लाई। बराबर ने उर्मिला बे? राशि कहाँ है? यही तो जिगर बता रहा था। अब देखे ना उर्मिला बेन, मेहमान आ चुके हैं, पूजा की तैयारी हो गई है, पर आपकी दिकरी तैयारी नहीं है। अरे नाना आवती जशे। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, कि ना तो तुम मेरे लिए हो और ना मैं तुम्हारे लिए। तुम्हें इस रूम में आने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन कोशिश करो कि तुम्हारी ये मनहूस शक्ल मुझे कम से कम दिखाई पड़े। लेकिन राशि, जितने जरूरत हो उतने ही खर्च करना, क्योंकि इसी में हमें अपना पूरा महीना चलाना है। पहले तो मुझे 5,000 रुपये पॉकेट मनी मिलता था, लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ तो 10 मिलता है। एतलबो पंडित जी नहीं आए? अरे मासी, एनी शूं जरूर छे? मेरी गोपी बहू है ना, बहुत संस्कारी और पूजा पाठ करने वाली है। मेरी गोपी बहू करेगी पूजा। है ना गोपी बहू?
तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं तो सिर्फ अपनी माँ के लिए। हम एक छत के नीचे साथ साथ रहते तो ये सिर्फ एक मजबूरी है। हमारे बीच जो दीवार है वो हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी। अरे अरे बेटा जरा ध्यान से। गोपी दिख रहा? ला मैं कर देती हूँ। नहीं मोटा भाभी, गोपी वो कर लेगी। गोपी वो सब देख रहे हैं, ध्यान से करो ना। राशि दिख रहा? वो फूलों की थाली देना। फूलों की थाली। गोपी बहू अब कथा शुरू करो। काशीपुरी नामक एक सुंदर गांव था जहां पे एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था, इसीलिए बहुत दुखी रहता था। इसलिए एक दिन भगवान ने खुद ब्राह्मण के रूप में सत्यनारायण भगवान की जय। हम देखना गया को संभाल, बुझने ना पाए। मेरी ही भूल थी जो माँ के कहने पर मैंने तुमसे शादी की। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। साथ